hello friends in today's video we will discuss about ugc university grant commission it is third topic in our syllabus of screening so let's start today's topic so welcome back to my youtube channel education quest in today's video we will discuss about the history of ugc the functions of ugc and colleges and universities affiliated to ugc so let's start today's video so first of all ugc the full form of ugc is university grant commission and it is regulator of higher education it grants funds to universities and colleges and it provides recognition to universities in india and without recognition of ugc no universities can provide degree in india next point most important point

इसका हेड क्वार्टर कहां पे है न्यू दिल्ली में एंड इट वाज लोकेटिंग एट बहादुर शाह जफर मार्क न्यू दिल्ली नेक्स्ट पॉइंट सिक्स रीजनल सेंटर हैं यूजीसी के इन uh, 1994 एंड 95 इन ईयर में यूजीसी ने अपने छह जो हैं रीजनल सेंटर्स इनको बताया था और ये लोकेटेड है आपके पुणे में भोपाल एंड कोलकाता हैदराबाद गुवाहाटी एंड बेंगलोर इसको नोट कर लेना ये आता है कि हाउ मेनी रीजनल सेंटर्स करके भी आता है एंड कभी कभी जगह भी पूछ लेता है नेक्स्ट पॉइंट द मोटो ऑफ यूजीज ज्ञान विज्ञान विमुक्ति एंड इसका जो मीनिंग है वो है नॉलेज एंड साइंस फॉर लिब्रेशन मुक्ति के लिए विज्ञान की शिक्षा नेक्स्ट अभी जो चेयरमैन है यूजीसी के वो हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह 2017 से ये यूजीसी के चेयरमैन है और एंड उसके साथ ही ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं नेक के नेक का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कि क्या है एंड वाइस चेयरमैन हैं यूजीसी के डॉक्टर भूषण पटवर्धन नेक्स्ट सेक्रेटरी प्रोफेसर रजनीश जैन एंड फर्स्ट यान ऑफ पूछा जाता है यू वाज़ द फर्स्ट ईयरमैन ऑफ यूसीवरूपर फ्रॉम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी कंट्रोल्ड बाई यूजीसी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है ये फिफ्टी फोर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं एज ऑन 1 October 2020, sources ka udc.ac.in. Next, state universities. There are 416 state universities and deemed to be universities 124. Private universities in India 364, private universities, and total number of universities in Indian federal state 958. Next, important point on 7th October 2020. यूरिसिडी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था 7 अक्टूबर को 2020 में जिसमें उसने uh, 24 यूनिवर्सिटीज को अक्रॉस द कंट्री इंडिया में फेक यूनिवर्सिटीज बताया था यूरिसिडी क्लियर हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज इज फेक यूनिवर्सिटी 24 यूनिवर्सिटी ऑन व्हिच डेट ऑन 7th अक्टूबर 2020 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पूछी जाती हैं कितनी है 54 नेक्स्ट है यूनिवर्सिटीज स्टेटस इन उत्तराखंड हो सकता है उत्तराखंड का पूछा जाए बिकॉज हम उसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में कितनी है एक है और इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है कमेंट में बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में इलेवन है एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी तीन है एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में एटीन है एंड टोटल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में थर्टी थ्री है और ये जो डेटा है ये डेटा मैंने UGC.ac.in से लिया हुआ है ये स्टेटस है 1 अक्टूबर 2020 को इन्होंने ये उसमें बताया था कि इतनी इतनी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है नेक्स्ट हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले सार्जेंट कमीशन था 1944 में तो इसकी रिकमेंडेशन पे यानी कि सर्जेंट कमीशन ने सिफारिश की थी कि यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमिटी को ओपन किया जाए तो विद द रिकमेंडेशन ऑफ सर्जेंट कमीशन 1944 यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमिटी वॉज फॉर्मड इन ईयर यूनिवर्सिटी ग्रेंड कमिटी वाज फॉर्म इट वाज फॉर्मड इन रिकमेंडेड ध्यान और क्यों 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 इसको इसको क्यों गया? इसका गठन किया गया? वर्क ऑफ थ्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी अलीगढ़ बनारस एंड डेली की सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की ए एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बी एच यू एंड डेली यूनिवर्सिटी इन तीनों का जो भी काम है वो कौन देखता था वो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमिटी देखती थी 1945 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और सार्जेंट कमीशन जो 1944 में आया था उसके रिकमेंडेशन पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमिटी का फॉर्मेशन हुआ था फिर उसके बाद 1947 में क्या किया गया 1947 में इसी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन को Uh, मतलब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ऑल ओवर इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं उस पर भी बढ़ा दी गई है पहले सिर्फ इन तीन यूनिवर्सिटीज को देखता था बट 1947 में यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिटी जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी इंडिया की उनको कवर करने लगा उनको देखने लगा देन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ नाइनटीन हंड्रेड में जो आयोग आया था राधा कृष्ण आयोग वहां पे यूजीसी यानी कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन है उसके फॉर्मेशन के लिए इसने रिकमेंडेशन किया था किसने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन डॉक्टर राधा कृष्णन कमेटी ने यूजीसी यानी कि कमीशन जो है उसके फॉर्मेशन के लिए रिकमेंडेशन दी थी ये भी क्वेश्चन आता है हु रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन तो एस राधा कृष्णन या राधा कृष्णन कमीशन रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन इन विच एयर नाइनटीन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो फिर ये जो मैंने आपको बताया था कि राधा कृष्ण कमिटी ने इन्होंने ये कहा कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यानी कि जो कमिटी बनाई गई थी उसको यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए जैसे कि यूके में होता है तो उसके बाद क्या हुआ इन 1952 1952 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो भी हायर uh, एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया वो सारे यूजीसी हैंडल करेगा यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देन उसके बाद ऑन ये इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट काफी ज्यादा ऑन 28 दिसंबर 1953 कब 28 दिसंबर 1953 मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम उस टाइम पे मिनिस्टर थे Education, National Resource and Scientific Research के. उन्होंने इनाइग्रेशन किया किसका यू जी सी यूनिवर्सिटी अबुल कलाम आजाद इन विच इयर इन हंड्रेड फिफ्टी थ्री ऑन ट्वेंटी थ्री यू जी सी वॉज इनाइग्रेटेड बाई मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड हुई राधा कृष्ण कमेटी नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद जब इसका इनाग्रेशन कर दिया था फिर 1956 इन नवंबर 1956 यूजीसी बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बाय पासिंग द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन एक्ट 1956 बाय द इंडियन पार्लियामेंट फिर उसके बाद 1956 में एक एक्ट पारित किया गया यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन एक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बाद से यूजीसी पूरी तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है इंडिया की तब से लेकर अब तक ये हायर एजुकेशन के लिए काम कर रहा है और इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ था इट फॉर द कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेक्शन बारह के अकॉर्डिंग जो भी हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब के बीच में एक कॉर्डिनेशन बैठाने के लिए और साथ ही साथ टीचिंग के स्टैंडर्ड्स को और रिसर्च को मेंटेन करने के लिए का गठन किया गया था सेंटर जो सिक्स रीजनल सेंटर मैंने इसके आपको पहले बताए थे वो उसने इंट्रोड्यूस किए थे नेक्स्ट पॉइंट देखिए 2018 को एमएचआरडी ने एक अनाउंसमेंट की थी मतलब वो यूजीसी को रिपील करना है यूजीसी को भंग करना चाहती है यूजीसी एक्ट था 1956 जिसके थ्रू यूजीसी का फॉर्मेशन हुआ था एमएचआरडी उसको खत्म करना चाहता था क्यों इट इंटेंड्स वो चाहता था कि यूजीसी रिप्लेस करे एच ई सी आई यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक नया कमीशन लाया जाए सी आई के नाम से हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से लेकिन हुआ क्या जो ये बिल था ये ये पास नहीं हो पाया ड्यू टू पॉलिटिकल अपोजिशन देन उसके बाद 2020 में दोबारा से जो यूजीसी है वो वैसा ही रहा जैसा वो पहले था एंड इन 2020 ट्वेंटी एम एच आर डी वॉज रिनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एम एच आर डी का नाम बदल के जो पहले नाम के क्या रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पहले था एंड अब इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन मिड 2020 एंड अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हमारे जो करेंट एम एच आर डी मिनिस्टर हैं आपको पता ही होगा हालांकि वो हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक तो ये एक हिस्ट्री थी इससे क्वेश्चन आते हैं काफी बार नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ यूजीसी यूजीसी के क्या क्या फंक्शंस हैं क्या क्या काम है यूजीसी के तो टू प्रोवाइड फंड्स टू फंडीज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन लाइक यू जी सी नेट आई सी आर नेट सी एस आई आर यूजीसी नेट ये सारा यूजीसी ही करवाता है जैसे नेट का एग्जाम आप लोग शायद देते भी होंगे वो एन जो प्रोवाइड करता है वो सारा यूजीसी के अंडर ही ये सारा काम किया जाता है एंड इट अलाउ टू यूनिवर्सिटीज ग्रॉलेजेस कौन सी यूनिवर्सिटीज फेक हैं किसका स्टैंडर्ड क्या है किसको ए ग्रेड बी ग्रेड ये सारा का सारा यू ही देखता है और साथ ही साथ जो जो पॉजिटिव चेंज हो सकते हैं हायर एजुकेशन में उन सब को यू ही सुझाव देता है ये देखिए सजेशंस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक पॉजिटिव चेंजेस इन हायर एजुकेशन एंड नेक्स्ट प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन किस तरीके से यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कोऑर्डिनेट किया जाए मतलब कि जो जीवन है उसके साथ ये सारा काम जो है यू ही देखता है तो ये एक यू का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कह लीजिए या फिर इसके फंक्शंस कह लीजिए और जो जो चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो सभी मैंने आपको इसमें बताई क्योंकि बहुत सारा पढ़ के भी उतना कोई फायदा है नहीं तो इसमें मेनली यही पूछा जाता है इसका गठन कब हुआ था किसके अध्यक्षता में हुआ था अभी चेयरमैन कौन है सबसे पहले चेयरमैन कौन थे एंड नेक्स्ट जो है इसका किसने किया किया कब इसके काम पूछे जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी हैं उत्तराखंड में कौन सी है इस टाइप की चीजें इसमें पूछी जाती हैं तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है आप इन सबको नोट कर लेना तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब इसके बाद का जो भी टॉपिक है उनको हम धीरे धीरे करके मैं आपके लिए लेके आऊँगी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग